मध्य प्रदेश लघु वेतन संघ के आह्वान पर खरगोन जिले के लघु वेतन कर्मचारी संघ ने अपनी 22 सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा खोला और समस्या निराकरण की बात पर प्रदेश स्तरीय आंदोलन की चेतावनी दी। बताया जा रहा है कि लघु वेतन कर्मचारी विगत कई वर्षों से शासकीय सेवाओं में अपना योगदान दे रहे हैं, ऐसे में बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाने सहित कलेक्टर रेट पर वेतन देने की मांग की गई। इस दौरान संघ अध्यक्ष ने बताया कि संभाग आयुक्त के अलावा विधायक सांसद को ज्ञापन प्रेषित करेंगे और अगर फिर भी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो भोपाल की सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के क्रांति आह्वान पे मुख्यमंत्री व प्रमुख सचिव के नाम से चार चरणों में आज ज्ञापन प्रेषित करना है, जो 52 जिलों में आज कलेक्टर महोदय को समस्त लघु वेतन कर्मचारी आज ज्ञापन प्रेषित करेंगे। क्या मुख्य मांगे? क्या मुख्य मांगे हमारी यह है, जनजाति कार्यालय विभाग में करीब 20 वर्षों से पदोन्नति नहीं की गई है, पदोन्नति का शीघ्र लाभ किया जाए। दूसरा पेंशन 2004-05 में जो कर्मचारी नियुक्त गए उन्हें पेंशन का प्रावधान किया जाए। चार चरणों में ज्ञापन दे रहे हैं। हाँ, अंशकालीन कर्मचारी जो कौन कर्मचारी जनजाति कार्यालय विभाग में छात्रावास स्कूल आश्रमों में कार्यरत है उन्हें करीब 20-20 वर्ष हो चुके हैं, उन्हें मात्र 5,000 वेतन दिया जा रहा है, उन्हें कलेक्टर दर से भुगतान किया जाए, साथ ही उन्हें वरिष्ठता के आधार पर नियमित कर्मचारी घोषित किया जाए। कोटवार कर्मचारी जो 36,000 ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है उन्हें 40-40 वर्ष हो चुके हैं, उन्हें कलेक्टर दर से वेतन भुगतान किया जाए, साथ ही उन्हें वरिष्ठता के आधार पर नियमित कर्मचारी घोषित किया जाए। जिले भर में कितने कर्मचारी हैं? जिले भर में करीबन 2,000 कर्मचारी है। समस्या का निराकरण नहीं होता तो आगामी कार्यक्रम है 13 तारीख को, 13 जनवरी को संभागीय आयुक्त को काले गुब्बारे दिखाकर ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। रमेश मंडलो, जिला अध्यक्ष लघु वेतन कर्मचारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।